अब मैं विक्रम को पसंद करती हूँ। इसका मतलब मैं रोहित और रवीना के बारे में जो कुछ सोच रही थी वो सब गलत था। तू जानती है तो क्या बोल रही है? प्लीज, are you serious? हाँ भैया, लेकिन आप जैसा सोच रहे हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा वो एक मिनट कुणाल भैया, ये बात मुझे पहले से ही पता था। क्या? रवीना ने लेकिन ये पहली बार बोला है। लेकिन विक्रम मुझे पहले ही बोल चुका था कि वो रवीना को पसंद करता है। मैं आप सबसे दोनों के रिश्ते की बात चलाने वाली थी लेकिन रवीना की वजह से चुप, क्योंकि वो ठीक से कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, शायद आपके और पापा के डर से। इसलिए मैंने ही रवीना से कहा था कि वो विक्रम से मिले जुले से जाने, ताकि उसे डिसीजन लेने में आसानी हो। शायद उसी वजह से वो मिलने गई होगी जब आपने देख लिया। नहीं सीमा, मैं फिर भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि लाइफ में विक्रम कभी भी सीरियस हो सकता है। भैया वो मेरा भाई है, उसे मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो रवीना को कभी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रवीना जिस परिवार की सदस्य है वो उस परिवार को अपना खुद का परिवार मानता है। वो उसकी बहन की ननद है और भैया सबसे बड़ी बात, वो उसके बेस्ट फ्रेंड आनंद की बहन। आनंद और विक्रम बेस्ट फ्रेंड थे और विक्रम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पापा, वैसे भी रवीना की शादी की बात तो चल ही रही है और अभी आपने सुना कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। मेरी ननद मेरी भाभी बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात, दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, दोनों फैमिलीज भी एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, कोई परेशानी है ही नहीं। सिर्फ आप दोनों की रजामंदी के अलावा। भाई मेरी तरफ से हाँ है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं कोई कहानी का विलन थोड़ी ना हूं। आप सब खुश हैं तो मेरे लिए भी ओके है। लेकिन बेटा, सुधांशु जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे? पापा, अगर कुणाल भैया मान गए तो मेरे पापा को तो मैं मना ही लूंगी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। विक्रम अभी आता ही होगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैंने उसे बताया नहीं कि रवीना ने हाँ कर दी। आने दीजिए, पहले उसे मजा चखाएंगे फिर उसे गुड न्यूज देंगे। लगता है आ गया, दरवाजा खोल जा। निधोनी फिर पीछे हटी दमीजे तो। माय गुडनेस, आज तो मतलब बेल बजाने से पहले दरवाजा खोल दिया है। आजा जफ्फी बाजी थी। ओ पैरी पहना अंकल जी, मैं क्या सस्त्री अकाल। नमस्ते जीजू।
इतना सन्नाटा क्यों है दीदी? मतलब ये सारे लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हैं जैसे कोई डकैत डाका मार के चला गया और ये सब पुलिस की वेट कर रहे हैं। लो जी, मतलब कुणाल पाजी भी आ गए हैं। पाजी आ जाओ यार, जप्पी पालो आ जाओ यार, अरे जप्पी पा। मैं तेरी इंतजार कर रहा था, क्या लगा रखा तूने? मैं जानता हूं घर वाले तुझे बहुत पसंद करते हैं, इसे बहुत ढील देते हैं, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, समझा? इधर उधर मत देख, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तेरी ये हिम्मत, तू रवीना के बारे में ऐसा सोचता है? इस घर वालों ने इतना प्यार दिया तुझे, उसके बदले में तूने ये दिया? अरे आप नीचे क्या देख रहा है, मेरी तरफ देख। बड़ा घुमा रहा है आजकल, बाकी लड़कियों की तरह समझ रखा है क्या? ये पढ़ाओ उसके, तुझे क्या लगता है वो मुझे नहीं बताएगी? ये बता तू उसे परेशान क्यों कर रहा? भैया मैं कहां परेशान कर रहा हूँ जी, मैं तो खुद इतना परेशान। ओहो, तो तू परेशान नहीं कर रहा तो वो तुझे परेशान कर रही है? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसा है ये बता, तुझे घुमाने नहीं ले जाता क्या? एक बार लेके गया था भैया, उसके बाद तो ना उसे वो ऑटो नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। बाकी टाइम तो घर पे ही मिले हैं जी, बल्कि दीदी के सामने। दीदी बताओ ना यार। रवीना तो मुझे कुछ और बता रही थी, तू उसे बहुत चाहता है और पीछे पड़ा हुआ। नहीं भैया। क्या मतलब तू उसे नहीं चाहता है? चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ जी। बस करो बस करो यार, रोने का इसकी हालत तो देखो। ओए बुद्धू, सब मिलकर तेरी टांग खींच रहे हैं। क्यों क्यों पापा जी, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब करना पड़ेगा, रवीना के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अरे बुद्धू उसने हाँ कर दी है, वो भी तुझे पसंद करती है। अब खुश होने का अगर मन कर रहा है तो खुश हो ले, डांटूंगा नहीं। पापा जी पैरी पौना जी एक बार फिर आ जाओ। और जिसने तेरी सेटिंग कराई उसको तो तूने थैंक यू नहीं बोला। दीदी मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ यार, मतलब की बात तो तू ही करती है, तू ग्रेट है यार, आजा जप्पी पाले आजा। सारे ही बड़े मजाकी है जी। कल रात तक तो मना कर रही थी, आज इतनी एक्साइटेड हो गई कि बैग से पैक हो गए सुबह सुबह। गौरव कहाँ है वो? पैकिंग कर रहा है ना? ये तो नहीं वो खर्चे का हिसाब लगा रहा है कि कितने पैसे खर्च होंगे ट्रैवलिंग में, कितने खाने में, कितने शॉपिंग में। ये सब हिसाब आपको करना है, गौरव को नहीं, क्योंकि मैं और गौरव नहीं आपस सिद्धि जा रहे हैं। ये दोनों आपके बैग हैं। कल रात को तय हुआ था ना कि हम दोनों नहीं जा रहे, तुम दोनों जा रहे हो। ऊपर से ऑर्डर्स हैं, बात कर लीजिए। पापा मैंने भी कल ही कह दिया था कि अगर इस ट्रिप पर कोई जाएगा तो सिर्फ तुम दोनों जाओगे। अखबार मुझे दे और जल्दी से तैयार हो जा, 15 मिनट में टैक्सी आ रही है एयरपोर्ट के लिए, बुलवा लिए मैंने। दीदी बेटा तुम लड़कियों को बहुत टाइम लगता है तैयार होने, जाओ जल्दी से तैयार हो। पापा अभी नई नई नौकरी लगी है ना मेरी, कैसे जाऊंगा मैं? अरे
शादी भी तो नहीं है तेरी, और आज तक कहीं भी घोने नहीं ले गया तो सिद्धि को, और ये टिकट तो तेरे बॉस ने करवा के दी है ना। अरे वकील आदमी है, बहाना तो अच्छा मारा कर। और ठकराल वो जाने देगा इसको? अरे तुम क्या देख रही हो, बोलो ना कुछ। वो पापा वो नहीं, गो गो गो। चलो अखबार मुझे दो और जल्दी से तैयार हो जाओ फटाफट। अरे आप दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पापा ने कोई सजा दे दी। अरे इतनी खूबसूरत जगह है मनाली, इतना खूबसूरत वेदर, और इस वेदर के बीच में इतना अच्छा रिजॉर्ट, रिजॉर्ट के बाहर विंडो के बाहर स्नोफॉल, कमरे में फायरप्लेस, और फायरप्लेस के सामने आप दोनों। वहां का मौसम भी बहुत अच्छा होगा, वेरी रोमांटिक। ए, तेरी बीवी बहुत बोलने लगी है। हाँ अरे भैया मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हम दोनों को जाना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। अरे भाई तुम लोग क्या ये वॉलीबॉल खेल रहे हो? हाँ कुणाल कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर बहुत ठंड होगी, सिद्धि का ध्यान रखिएगा, उसे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। अब तुम तैयार हो रही हो या मैं आऊं? ऑर्डर कर दे। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कॉफी मंगवा ले। कॉफी मंगा ले। ब्रदर दो कॉफी ले। तुझे पता है यार रवीना, मतलब तूने तो मुझे डरा ही दिया था यार। जैसे घर वालों ने मेरे से सवाल पूछे, जैसे कुणाल भैया ने पूछा, मतलब मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी यार। मुझे पता नहीं था ना कि मतलब तूने मेरे लिए यस कर दिया। वैसे जितना टाइम तूने ले लिया यस करने में, मेरे जैसे लड़के ज्यादा टाइम टिकते नहीं होते। वैसे एक बात समझ नहीं आई यार रवीना, मतलब तूने अपनी फीलिंग्स मुझे तो कभी बताई नहीं, तो परिवार वालों को कैसे बता दी? इट्स ओके मतलब कोई बात नहीं, चल मुझे नहीं बताई, घर वालों को तो बता दी ना। यही बात रवीना यार तेरी मेरे को अच्छी लगती है, तेरी सिंप्लिसिटी, तेरे वैल्यूज, मतलब तू अपने परिवार वालों के बारे में कितना सोचती है यार, और उनको भी तेरे ऊपर नाज है। यार रवीना मैं ही बोली जा रहा हूं, आप भी कुछ बोल लो। क्या हुआ यार रवीना, तू शादी को लेकर टेंशन ले रही है क्या? कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा? यार रवीना तू शादी शुदी की टेंशन मत ले, देख विक्रम गरेवाल बैठा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। तू तो बस अब शादी की तैयारियां कर। इसे कैसे बता कि ये शादी जो इसके लिए खुशी की वजह है, वही मेरे लिए परेशानी की वजह है। क्या कर रही हूँ मैं, क्या सही है क्या गलत है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनाली मैजिक, पहाड़ों के बीच में, विंडो के बाहर स्नोफॉल, और रूम के अंदर फायरप्लेस। आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मैं क्या करूं, मैं तो फिर भी ट्राई कर रहा था, तुम ही चुपचाप बैठी हुई थी। देख लो पैकिंग करके तैयार होकर बैठे हो तुम अभी। तो मैं क्या अपने मर्जी से नहीं तैयार हुई? सीमा भाभी ने मुझे जबरदस्ती तैयार होने के लिए कहा,
और मैं पापा से कैसे कुछ कहती? क्या मतलब पापा से कैसे कुछ कहती? वैसे पापा पापा करती रहती हो तुम, जब कहने की बात आई तो डर के मारे बैठ रही। डरते तो सब लोग आपसे हैं। अब जाइए ना, पापा से बात कीजिए, शायद आपकी बात मान जाए। मैं क्या बोलूं, डरते जरूर होंगे मुझसे, मगर प्यार तुमसे ज्यादा करते हैं, तुम्हारी बात ज्यादा मानेंगे वो। जाके बोल दो हमें नहीं जाना। और क्या कहूँ, क्यों नहीं जाना? नहीं कोई बहाना मार दो यार, बोल दो तबीयत ठीक नहीं है, तब मौसम खराब है। लड़कियां जब बहाना मारती हैं तो जेन्युइन लगती हैं। नहीं नहीं, मैं पापा से झूठ नहीं कहूंगी। याद है ना पिछली बार जब आपने पापा से झूठ कहा था तो इन्हें कितना बुरा लगा था? मैं नहीं झूठ बोलूंगी। अरे तो सच बोल दो ना, हम दोनों साथ नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे यार हम और तुम? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अब किसी से कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि दोनों वकीलों को मनाली जाना ही पड़े। अदालत का फरमान और टैक्सी बाहर आ चुके हैं। तो फिर आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए और बाहर आ जाइए, वरना आप दोनों की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं। जल्दी क्या देख रही हो? चलो अब मनाली मैजिक रिसोर्ट पहाड़ों के बीच में। पार्टी तेरे घर कल, सब लोग आएंगे, चलेगा ना? कोर्स। चल फाइनली तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। अबे फाइनली क्या होता है, तुझे पता है रिचा ना इसे पहले दिन से पसंद थी। और यही नहीं, कॉलेज में लट्टू था उस पे। ओए राहुल बस हो गया। शर्मा मत भाई, तेरी शादी हो रही है। वैसे जो भी कहो, अच्छा है तुम दोनों शादी करने वाले हो। शादी के बाद लाइफ कितनी एक्साइटिंग हो जाए। कुणाल भैया का फोन। रिचा इसे देख लो, गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले से ही आ गए। अभी तक तो निकले भी नहीं आ रही हूं उनके, इसने घंटियां बजाना शुरू कर दी। चुड़ैल कहीं। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक इन अ मिनट। डैम कंप्लीटली ब्लॉक्ड। हेलो हेलो, कौन? सीमा भाभी। हाय रिचा, इट्स मी। वो एक्चुअली कुणाल भैया और सिद्धि थोड़ा बिजी हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करूं। दोनों अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं ना। हनीमून? तो शायद तैयारियां कर रहे होंगे। वैसे मुझे पता है कि तुम कुणाल भैया की बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन मैंने उनके सारे दोस्तों को बोल दिया है कि कुछ दिनों तक उन्हें डिस्टर्ब ना करें। हनीमून रोज रोज थोड़ी ना आता है, और कुछ टाइम कुणाल भैया को अपनी पत्नी के साथ भी स्पेंड करना चाहिए ना। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम बहुत समझदार हो, सब समझ ही लोगे, है ना? अच्छा मैं रखती हूँ, वो शायद सिद्धि को कुछ चाहिए तो नहीं, देखना पड़ेगा ना रास्ते के लिए, हनीमून पे जा रहे हैं ना। ओके बाय।